अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जाने फाती किचन और आज हम बना रहे हैं बीफ कोरमा। बीफ कोरमा बनाने के लिए मैंने पोट के अंदर सबसे पहले ऐड कर दिया। आज माशाल्लाह से ज़्यादा क्वांटिटी में हम बना रहे हैं तो इस वजह से मैंने ऑयल हाफ के जी लेके तो उसको पहले ही प्री हीट करने रख दिया है और इसके अंदर ऐड कर देंगे डायरेक्टली। हम थोड़ा सा प्री हीट मैंने करने पहले ही रख दिया था, इसमें ऐड कर देंगे बीफ है हमारे पास 4 kg। देखिए हमने इसमें सारा बीफ ऐड कर दिया, वो ज़्यादा ऑयल हमारे ऊपर आ रहा था इस वजह से मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था और फिर इसमें ऐड कर दिया है मीट। और अब हम इस मीट को फ्राई कर लेंगे जब तक के हमारे मीट का कलर चेंज ना हो जाए। देगी कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने मटन को फ्राई कर लेंगे, बीफ को। बीफ देखिए, बीफ कोरमा बनाने के लिए हम सबसे पहले बीफ को फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। हाई फ्लेम पर रखना है, हमने स्लो फ्लेम पर नहीं कुक करना इसको। देखिए मैंने इसे 4 से 5 मिनट फ्राई किया, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून भर के हमने ले लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट है हमारे पास, ये ऐड कर देंगे और इसे फिर फ्राई कर लेंगे। अराउंड मैंने इसमें 4 टेबलस्पून डाल दिए, बट ये 1 टेबलस्पून छोटा इस वजह से मैंने 4 डाले हैं। और इसमें ऐड कर देंगे तेज़पत्ता है हमारे पास 4 से 5 अदर, काला ज़ीरा है हमारे पास 1 टेबलस्पून, साबुत काली मिर्चें हैं 25-30 अदर, हमने साबुत काली मिर्चें ले ली हैं। लौंग है हमारे पास 15-20 अदर और इसको फ्राई कर लेंगे हम अगेन। इसमें ऐड कर देंगे और हम दालचीनी की स्ट्रिक्स ऐड कर देंगे 3 से 4 अदर साबुत। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून भर कर हम इसमें ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें रेड चिली पाउडर को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर हम ले लेंगे 4 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, इसको अगेन हम भून लेंगे क्योंकि हमने इसमें अब स्पाइसेस ऐड कर दिए। हम इसको स्पाइसेस के साथ हम भून लेंगे 6 से 7 मिनट। देखिए अब हमने सारे स्पाइसेस को मिक्स कर लिया और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी, मैंने ले ली है 2 इसमें अनियन है हमारे पास लार्ज साइज और इसको ब्लेंडर में डाल के तो बारीक पीस लिया हमने, ज़्यादा पानी नहीं लिया और इसको बस थिक सा पीस लिया है। ये ऐड कर देंगे इसी पॉइंट पे जब हमने स्पाइसेस ऐड करनी है तब, इसको भी हम साथ ही भून लेंगे 7 से 8 मिनट, इसको हम भूनते ही रहेंगे। ये देखिए 9 से 10 मिनट हो चुके हैं हमें सिर्फ अगेन भूनते हुए, अब ये और भून चुका है 8-10 मिनट। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1/2 kg है हमारे पास योगर्ट, ये ऐड कर देंगे हम इसमें। इसको मैंने पहले ही बीट कर दिया था ताकि लम्स ना बने। चाहे अब इसको फिर अगेन भून लेंगे, बस हम इसे अब भूनते ही रहेंगे, पागल हो जाएंगे इसको भूनते ही रहेंगे ताकि अच्छा सा ये भून जाए। फिर इसको हम टेंडर करने के लिए भी तो रखना है, इस वजह से हमने इसको पहले अच्छा सा बस भूनना ही है। देखिए मैंने इसमें योगर्ट मिक्स कर दिया, मैंने इसके अंदर स्पाइसेस कम डाली हैं बिकॉज मैंने इसके अंदर ऐड करना है बाज़ार से जो कोरमा मसाले का पैकेट मिलता है वो पैकेट हम इसमें 1 ऐड कर देंगे और 2 पैकेट मैंने लिए हैं फुल और इसमें से मैं इसमें 1.5 पैकेट डाल दूँगी, 1/2 को मैं साइड पर रख दूंगी। हम जब अनियन को ब्लेंड करेंगे तो उसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2,
ये स्पाइसेस हमने जो है मसाला बाजार का इसको इसी पॉइंट पर ऐड करना है, इससे पहले हमने इसे ऐड नहीं करना, क्योंकि ये देखें अब जब इसने अपना मीट ने इतना पानी छोड़ दिया है और योगर्ट का जो पानी है ड्राई होगा, मसाला भुनेगा ये साथ साथ, हमारा मसाला भी जब भी भुन जाएगा बस हम इसको भूनते रहेंगे ताकि ये जो सारा पानी है ड्राई हो जाए और अच्छा सा हमारा मीट भुन जाए। देखिए हम इसको कितनी देर से इसको ऐसे ही कुक कर रहे हैं, ये भुनना स्टार्ट हो चुका है, इसका ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट वो देखिए होना स्टार्ट हो चुका है, मींस ये भुनना लग गया है। अब हम इसको और भून लेंगे ताकि थोड़ा बहुत जो और रह गया टाइम मसाले में वो भी भुन जाए। अराउंड ये 1 से 2 मिनट और हम इसको भून लेंगे। देखिए ये बिल्कुल अच्छा सा भून चुका है। इस वक्त अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी, पानी हमें इसमें इतना ऐड करना है कि ये टेंडर हो जाए। ये टेंडर भी लेट ही होगा क्योंकि ये बीफ है, तो इसके अंदर हमें इसमें पानी ऐड करना है। मैं इसमें ऐड कर दूँगी अराउंड 1.5 लीटर मेरे पास पानी है। देखिए मैं इसमें और पानी ऐड कर दूँगी। देखिए अब हम इसे कुक करने रख देंगे। मैं इसे बॉईल आने के बाद कवर अप करके रख दूंगी। 30 से 35 मिनट में ये इंशाल्लाह हमारा अच्छा सा मीट टेंडर हो जाएगा। और अगर हमें इसमें आपको अपने मीट के हिसाब से टाइमिंग को देखना पड़ेगा, अगर आपका मीट ज़्यादा टाइम लेगा तो आप इसमें पानी उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं, और अगर आपका मीट जल्दी टेंडर हो जाएगा तो इसमें मीट में पानी नॉर्मल ही जाएगा, बट इसकी ग्रेवी भी इसी इस पानी से ही रेडी होगी। इस वजह से हम इसमें एक मरतबा ही पानी ऐड करेंगे जो हमें बार बार ऐड करना ना पड़े। और बस अब हम इसे कवर अप करके रख देते हैं। बॉईल आने के बाद मैं इसको 25 से 30 मिनट कुक कर लूँगी लो टू मीडियम पर, और इतनी ही टाइमिंग में अगर किसी का बीफ टेंडर ना हो तो और पानी कम हो जाए तो हम इसमें पानी और भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप पानी भी ऐड कर सकते हैं इसमें और, ताकि ये अच्छा सा टेंडर तो हो जाए पहले, फिर हम इसको खुद ही ये खुद कुक हो जाएगा और पानी भी इसमें नॉर्मल एडजस्ट हो जाएगा जितना हमें इसकी ग्रेवी के लिए हिसाब से चाहिए। अब हम इसको रख देते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए आधे घंटे से कुक हो रहा है, हमने इसे कवर अप करके रखा था और ये अब अच्छा सा टेंडर हो चुका है। इसको हम चेक कर लेंगे। ये देखिए इतना ज़बरदस्त हमारा मीट इतना अच्छा टेंडर हो चुका है। अब हम इसकी फ्लेम को लो कर देंगे और हम अनियन को थोड़ा सा पीस लेंगे। अब हमने ले ली है अनियन, अनियन है हमारे पास बड़े साइज़ की 4 हमने अनियन ले ली थी और इसको गोल्डन करके रख लिया मैंने पहले ही, और इसको अब हम पीस लेंगे। बट इसको हमने मोटा मोटा पीसना है, ज़्यादा बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं इसका रेडी करना, इसको बस मोटा मोटा सा हमने इसको पीसना है ब्लेंडर में डालकर। और हमारे पास है ड्राई स्पाइसेस में 1 टेबल स्पून है काला ज़ीरा, लौंग है हमारे पास 8 से 10 अदद, और जायफल छोटी सी और जावित्री का पीस है इतना, और ये 8 अदद हमारे पास है इलायची, और ये जो हमने कोरमे का पैकेट हाफ बचा के रखा था ये भी यूज़ कर लेंगे। इसको हम मसाले को पहले पीस लेंगे और सारा मसाला फिर हम इसके अंदर ऐड करके अनियन में, तो जो ब्लेंडर में हम इसे ब्लेंड करेंगे तो इसके साथ ही हम सारा फिर अगेन पीस लेंगे। देखिए अनियन और हमने जो मसाले पीसे हैं ये ऐड कर देंगे हम इसमें सारे सारी अनियन ऐड कर देंगे हम। देखिए मैंने इसके अंदर सारी अनियन को डाल दिया और अब इसे मिक्स कर देंगे अच्छा सा। इसको मिक्स करने के बाद हम इसके रख देंगे 3 से 4 मिनट बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर, कवर अप कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा जो हमने अनियन डाला है और जो स्पाइसेस डाले हैं इसका टेस्ट आ जाए। सो बस हमने बिल्कुल अच्छा सा मिक्स कर लेना। अब मैं इसे रख देती हूँ 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर कवर अप करके। देखिए 5 मिनट से स्लो फ्लेम पर मैंने छोड़ दिया था कुक करने के लिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मैंने 1/2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर गरम मसाला पिसा हुआ ऐड कर दिया है। बस ये हमारा देगी कौरमा माशाल्लाह से बीफ कौरमा रेडी है।
इसे मिक्स कर लेंगे अच्छा सा और इसको अब डिश आउट कर लेंगे। और इसके अंदर हमने सॉल्ट भी चेक कर लेना है सॉल्ट, बिकॉज हमने इसमें जब पैकेट का मसाला डाला है इसलिए हमने इसको कुकिंग टाइम पे नॉर्मल सॉल्ट इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया था, बट हम इसको अपने टेस्ट के हिसाब से बाद में सॉल्ट यूज़ करेंगे, जितना उतना ही ऐड कर लेंगे। और इसकी फ्लेम को अब हम ऑफ़ कर देते हैं और डिश आउट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा देगी बीफ कौरमा रेडी टू ईट है। आप इसे बनाएं, इंजॉय करें, नान कुलचे के साथ इसको सर्व करें, फ्रेंड फैमिली में शेयर करें। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक।